हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टमेनिया। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली हमारी एक डीआईवाई ट्रिक के ऊपर। तो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ अपने जो साइड मिरर्स होते हैं उसमें इंडिकेटर स्टॉल। तो मैंने बहुत सी गाड़ियों में नोटिस करा था यार, वो काफ़ी अच्छा लुक आता है और बहुत से लोग आफ्टर मार्केट भी लगाते हैं, पर वो बहुत कॉस्टली होते हैं। अप्रॉक्स 800 के आसपास वो मिलते हैं आपको। तो मैं एक डीआईवाई ट्रिक करूंगा, मैं देखूंगा अगर ये सही लगती है तो ठीक है, क्योंकि गाइस मैं एकदम सजेस्ट नहीं करता हूँ। पहले आप भी चेकआउट कर लो कैसा लुक आ रहा है गाड़ी में, और ये काफ़ी इससे काफ़ी सस्ते में हो जाएगा, उतने हमारे एक्सपेंडिचर नहीं आएगा और इससे कोई ज़्यादा बेकार डिज़ाइन भी नहीं आएगा। सो गाइस, इसको मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा जैसे कि आपकी कार का एक बार मिरर चेकआउट कर लीजिएगा कि उसका कैसा डिज़ाइन है, उसी के हिसाब से उसके लिए एक परफेक्ट इंडिकेटर लाइएगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे पास जो अभी है जिसमें मैं भी लगाने वाला हूँ वो ऑल्टो 800 है, और उसमें मुझे एक KTM स्टाइल वाले इंडिकेटर काफ़ी अच्छे लगे तो मैं उसको लेके आया हूँ। और वो इंडिकेटर मुझे अप्रॉक्स 90 रुपीज़ के पड़े हैं, एक लोकल स्टोर से मैंने लिए थे। तो मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज़, ये अपने इंडिकेटर हैं KTM वाले, तो ये मुझे 90 रुपीज़ के पड़े हैं अप्रॉक्स, और ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसका मिल जाता है क्योंकि ये फिक्स है। हालाँकि मुझे इसको इतना ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ये फिक्स होंगे, और मैं पूरा एक बार पूरा प्रोसीजर आपको दिखा दूँगा। तो गाइज़, इसमें थोड़ी बात ये रहती है कि आपको अपना मिरर भी थोड़ा कट करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा आपको प्रेफर करूँगा पहले एक बार ध्यान से करिएगा जो भी करिएगा, क्योंकि बाय चांस अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा मिरर ख़राब भी जाता है तो मैं मिरर रिप्लेस कर दूँगा या फिर मैं इसके ऊपर कवर लगा दूँगा जिसके कवर आते हैं। तो इसलिए मैं इसको एक बार देखता हूँ। वैसे बहुत अच्छा लुक आता है, मैंने 2-3 कारों में भी पहले लगवा रखा है तो काफ़ी अच्छा उनकी कारों में लुक आया था, तो हम भी अपनी कार में करते हैं इंस्टॉल। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अपने को करना क्या होगा, सबसे पहले तो गाइस हम इस पैनल को खोल देंगे, थोड़े यहाँ से इसको निकाल के पूरा निकल जाता है, और इसके अंदर के जितने नट्स होंगे हम सारे नट्स निकाल के इस मिरर को निकाल देते हैं। पहले हम फर्स्ट मिरर में चेक करते हैं कि इसका कैसा लुक आ रहा है, सही लग रहा है नहीं लग रहा, फिर हम अपने नेक्स्ट साइड के मिरर में भी। तो गाइज़, अपने को करना क्या होगा इसमें, एक्चुअली सबसे पहले तो गाइज़ ये हमें मिरर निकालना होगा। तो भाई इसके लॉक्स होते हैं, मैं इसके लॉक्स खोल के आपको दिखाता हूँ। गाइज़ आप देख सकते हो ये पूरा मिरर निकल चुका है, पूरा आप देख सकते हो ये मिरर पूरा निकल चुका है, अलग हो चुका है ये, और इसके जो ये वाला पैनल है आप देख सकते हो, ये पैनल है इसका अंदर का। हम इसमें यहाँ पे शायद थोड़ा कट करेंगे, इतना हिस्सा इतना पोर्शन यहाँ पर कट करके लगाएंगे इसमें। We'll be right back.
काफ़ी सही फिटिंग हुई है मिरर की भी। तो गाइस आप देख सकते हो पूरा मिरर अंदर से फिट हो चुका है, ये देख सकते हो पूरा प्रोसीजर मिरर फिट हो चुका है। और उसकी ये वायर्स हैं, दो जो वायर्स हमने निकाली हैं इंडिकेटर के, ये वायर्स हैं। और ये वाली हमारी वायर जो है ये हमारे फ्रंट इंडिकेटर से आ रखी है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसको लगाना कैसे है, कहाँ पे कैसे मतलब पोजीशन होगी। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो हमारी ये रबर होती है इसके अंदर से मैंने वायर निकाली है, और वायर पतली है जिससे कोई एकदम प्रॉब्लम नहीं आने वाली है रबर में। और वो आगे सीधे इंडिकेटर में फिक्स है, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ अभी। अभी हम इसमें से चेक कर लेंगे कौन सी वायर नेगेटिव पॉजिटिव है, और हम वैसी इसमें कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो इसकी रेड वाली वायर है वो इसकी पॉजिटिव है और ये वाइट वाली नेगेटिव रखी है मैंने, जिससे एकदम समझ में आ जाए। तो पहले फटाफट से इसकी फिटिंग कर देता हूँ मैं, उसके बाद आपको पूरा एक बार ओवरऑल नाइट का सीन दिखा दूँगा कैसा लुक आ रहा है गाड़ी में, ठीक है गाइस। तो गाइस अपना इंडिकेटर लग चुका है यहाँ पे, देख सकते हो आप हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा इंडिकेटर पूरा लग चुका है। तो मैं आपको एक दो डे के सीन दिखा देता हूँ इसका कैसा लुक आता है, फिर उसके हिसाब से नाइट का सीन दिखा दूँगा। You cast me